अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आदिल खान, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी नज़र इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को, मुमरा वासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको मैं ले चलता हूँ आज की अपनी खबर पर। कामगार संगठन के गनी मचान ने और मुन्ना साहिल ने हमारे चैनल के ज़रिए मुमरा वासियों और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी। गनी भाई, ईद के इस पुरखुलिस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मीडियम के माध्यम से हर मुसलमानों को मेरा, अब्दुल गनी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कामगार सेना संगठन का और जो महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है अपने अर्शद भाई और उनके बाद में हमारे सब कार्यकर्ता बैठे हुए, उन सब की तरफ से और शिवसेना की तरफ से और हमारे उदय साहब की तरफ से, हमारे आदित्य साहब की तरफ से और उसके बाद में हमारे एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से, हमारे अरविंद साहब, सावन साहब की तरफ से और जितने शिवसैनिक है उन सब की तरफ से हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबको यही समझाना चाहता हूँ, आप लोग को सबको ईद मुबारक है। और बकरे जो बड़े जानवर है, सोसाइटी के अंदर कोई गंदगी नहीं करे और उसको साफ़ सफाई रखे और इत्मीनान से काटे और वो चीज़ को उठा के कोई खड्डे में गाड़े या म्यूनसिपाली के लोग गाड़ी में लेने आते, उनके उनके पास बराबर अपने कचरे उठा के वहाँ दे दे, रास्ते में फेंकना और बाहर ऐसे गटर के पास फेंकना ये गलत है। और उस पर इन्फेक्शन जो होएगा वो आने वाले बच्चे लोग के ऊपर इफ़ेक्ट होएगा, तो इसके लिए ये सब चीज़ मत करना है। और कुर्बानी अल्लाह की बहुत बड़ी चीज़ है और ये कुर्बानी हर इंसान को तौफीक नहीं होती है और ये कुर्बानी करने के बाद उसकी सही तरीके से तकफीन करना है, सब कुछ ये करना है और हिसाब से ये सब करके और सबको, आप लोग को, सबको, पूरे देशवासी को, सबको ईद मुबारक।